रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। किम्स में बहुत कुछ हो गया दादा, कहाँ थे आप? आपकी वजह से, आप रिस्पॉन्सिबल उसकी डेथ की वजह से। यू मेड हिज लाइफ लिविंग हेल और आप इतना पेशेंट दिया उसको, और आप बैठ के यहाँ पर उसके वैल्यूज और उसके जजमेंट को क्वेश्चन कर रहे हैं। आप में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि किम्स ऐप पे ये आर्टिकल किसने पब्लिश किया? पेपर लीक हो गया था। अब मैडम सी कौन थी? अभी इतना क्यों डर रहा था कि पलों को भी भूल गया था? अभी I think you Johnny ate something. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ग्रीफ के सात स्टेजेस होते हैं। शॉक, उसके बाद डिनायल, फिर गिल्ट, उसके बाद गुस्सा और फिर रिफ्लेक्शन। आबिर इस फिफ्थ स्टेज में अटका हुआ था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था, पर कुछ तो था। एग्जाम देर नहीं हो रही है। बीता हुआ कल हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो आने वाला कल है ना, उसे हम या तो हार सकते हैं या जीत सकते हैं। हाय निवे, मुझे पता है कि बहुत दिनों से, मतलब मेरी वजह से तुम डिस्टेंट फील कर रही होगी। नहीं यार आबिर, फाइन, मैं समझ सकती हूँ। तूने वो किम्स ऐप पे अपडेट देखा? अजीब है ना। मैं लेट हो रहा हूँ निवे, मैं कॉलेज में मिलता हूँ तुझसे। मतलब इफ दैट्स ओके। ओके हाँ, लेट मत होना। और आबिर, I love you. इशा उठ जा। उठ जा यार। एग्जाम आज। कुछ नहीं हो रहा निबू। हम इस कॉलेज में हार्ट डिजीजेस ठीक करना सीख रहे हैं। इनके पास खुद हार्ट नहीं है यार। पल्लव को गए हुए 2 दिन नहीं हुए यार। दोस्त था यार वो हमारा, थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे? इतने इम्पोर्टेंट एग्जाम, कुछ नहीं हो रहा गया यार। होगा, बहुत ही सिंपल है ये केस। पल्लव का सुसाइड वीडियो है ना, इट्स प्रूफ। सर, आपको समझना होगा कि मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर हूं, कोई पुलिस नहीं। कि सुसाइड का सबूत मिलते ही मेरा काम खत्म। इनफैक्ट मेरा काम तो यहां से शुरू होता है कि देखो यहां सब ठीक है। और सब कुछ ठीक है यहाँ? अफवाहों से पता चला है कि सब कुछ ठीक नहीं है यहाँ, इसीलिए उन्हें अफवाहें देते हैं। सर, अफवाह और हकीकत के बीच में ना एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होती है, और मैं चाहूंगी कि आप मुझे मेरा काम बिना किसी रुकावट के करने दें। मैं उस लड़के से मिलना चाहूंगी जो उस रात गर्ल्स हॉस्टल में था। के? ओ, विच बॉय? न्यूरोलॉजी, रेडियोथेरेपी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, सर्जरी, ये वॉर नहीं, एपोकलिप्स था। हमें सिखाया जा रहा था दूसरों को बचाने के लिए, लेकिन हमें कौन बचाएगा? और ये बेयर सर्वाइवल वाज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ थोड़ी सपोर्ट। सब मेंटली टॉर्चर्ड, एक दूसरे का टॉर्चर शेयर करते हुए। एक्सपेक्टेड था कि हम सबसे फ्यूचर में पूछेंगे, बताइए व्हाट्स योर प्रॉब्लम, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स का क्या? भाई ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूँ,
लेकिन आज एग्जाम देना सुसाइडल लग रहा है. द एजुकेशन सिस्टम वाज एंड वी वर टू टायर्ड टू केयर. चुपके चुपके चूहे की तरह बात करने से कुछ नहीं होगा. बाघ की तरह तुम सब पे नजर लगा रखी है मैंने. चाय लाए हो हमारे लिए? नहीं सर, डीन सर ने ये दिया है. अबीर बसु, अबीर बसु. नहीं सर. जाओ, डीन सर ने बुलाया उनके ऑफिस में. ओके. अरे अभी जाओ, बुलाया उन्होंने. अभी एग्जाम लिख रहा हूँ ना. मिल के आप फिर लिखना. जाओ. तो एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा ना सर? कोई टाइम नहीं मिलेगा. जाओ. अरे एक सेकंड, कोई टाइम नहीं मिलेगा मतलब सर, अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा तो कंप्लीट कैसे करूंगा मैं पेपर? मुझे नहीं पता. जाओ, सर ने बुलाया. जाओ. अरे मुझे नहीं पता मतलब सर, अगर एग्जाम अजीब सर, ये तो इलीगल हो गया ना. मतलब अकॉर्डिंग टू कॉलेज चार्टर आल्सो दिस इज नॉट फाइन सर, दिस इज इलीगल. वो कॉलेज देख रहे हो, वहाँ पे लॉ का पढ़ाई होता है. ठीक है, तो जाओ पहले डीन सर से मिल के आओ, उसके बाद वहाँ जाके जितना कानून पढ़ना होगा पढ़ के आना. एग्जाम के बाद गेट आउट. एक तरफ आबिर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ ओजिता कुछ ढूंढ रही थी. पेपर लीक्स, डिप्रेशन, सुसाइड, उसको कुछ कनेक्शंस दिख रहे थे. शी वाज गेटिंग क्लोजर टू द ट्रुथ. एक लेडी टीचर है, बहुत खूबसूरत है मैडम, ऊंची लेवल पे. अच्छा, एचओडी बोलते हैं मैम. एचओडी. यू कांट लीव फ्रॉम हियर टिल यू कन्फेस आबिर मासू. आई कन्फेस. बायोलैब का टेस्ट मैंने तोड़ा था, असिस्टेंट पे ब्लेम डाल दिया. डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद मी. तुम उस रात को गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहे थे? सर आपको क्या लगता है मैं गर्ल्स हॉस्टल में क्या कर रहा हूँ? शट अप. आई वांट अ नेम. वही मेटा के. आई वांट दैट गर्ल्स नेम. हेलो. आपने कहा ना शट अप. अगर आपका गॉसिप हो गया तो मैं जाऊं. हैंग ऑन. तुम कॉलेज के बाद कैंपस में क्या कर रहे थे? सर ये इसका आंसर मैं एग्जाम देने के बाद भी दे सकता हूँ. जब तक आई डोंट गेट एनी आंसर्स तुम कहीं नहीं जाओगे. सर पर आप मेरा एग्जाम टाइम खराब और आप जैसे स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज की रेपुटेशन. अभी बासु एकाने की करछो तुमी? आपको एग्जाम हॉल में होना चाहिए. मैम मैं वहीं पर था पर सर ने बुला लिया और अब जाने नहीं दे रहे. पता नहीं अलग मजा आ रहा है इनको. आप जाओ, मैं आपसे बाद में बात करता. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वही तो समझ रहे. समवन अंडरस्टैंड्स.